हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका आओ करें और सीखें विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो में हम आपको अभ्यास 56, 57, 58, 59 बताएंगे। और ये जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है, जो दक्षता उन्नयन की है, यह पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23 के लिए। और यह जो आपको अभ्यास कार्य करा रहे हैं हम, जो यह सीखने का स्तर किसका रहेगा? 1 और 2 यानी अंकुर समूह के बच्चों के लिए रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं अभ्यास 56। अभ्यास 56 में क्या दिया हुआ है? शब्द बनाएँ। क्या दिया है? शब्द बनाएँ और लिखें। लेकिन आपको उससे पहले, जैसे इस गतिविधि को या इस अभ्यास कार्य को कर रहे हैं, तो यहाँ दिनांक भी लिख देना है कि आप किस दिनांक में इस अभ्यास कार्य को किया है। चलिए देखते हैं, शब्द बनाएं और लिखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द बनाना है हमको। ये तीत लिखा है, तो तीत में क्या जोड़ेंगे? ली जोड़ेंगे। तीत में क्या जोड़ेंगे? हम ली जोड़े तो क्या बन जाएगा? तितली। क्या बन जाएगा? ये तितली बन जाएगा। तीत में ली जोड़े तो तितली। मच्छ में, मच्छ में क्या जोड़े? ली जोड़े तो क्या बन गया? मछली। बा में ली जोड़े तो क्या बन गया? बाली। क्या बन गया? ये बाली। और ता में ली जोड़े तो क्या बन जाएगा? ये ताली। और डा में ली जोड़े तो क्या बन गया? डॉली। ये डॉली हो गया। माँ में ली जोड़े तो क्या बन गया? माली। और जा में ली जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जाली। आप जा में ली जोड़ के बना सकते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाली बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कुछ वर्ड दिए थे, उसमें क्या जोड़ना था? ली जोड़ के एक शब्द बनाना था। तो शब्द बनाए और उसे हमें लिखना भी था, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे देखते हैं, शिक्षक शिक्षिका इसी प्रकार उन वर्णों से बनने वाले शब्द लिखकर जिन वर्णों द्वारा मात्राओं का ज्ञान विद्यार्थी को हो चुका है, आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें। इसके बाद देखिए, अगला अभ्यास आ रहा है 57। दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं और लिखें, अतिरिक्त शब्द भी बनाएं। देखिए, अब यहाँ पर एक इस प्रकार से शब्द वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों से हमें क्या बनाना है? शब्द। आपको मालूम है वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य से बनती है कहानी। और जो आपकी बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन हो रहा है या होने वाला है, इसमें आपको जो सबसे पहले, जैसे हिंदी का बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपसे वर्ण पूछा जाएगा। यदि वर्ण पढ़ लिए तो आपसे क्या पूछा जाएगा? शब्द। यदि आपने शब्द पढ़ लिए तो फिर वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य यदि आपको पढ़ते बन जाता है तो कहानी, और कहानी पढ़ ली है तो आप कौन से समूह में चले गए? तरुण समूह में चले गए। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आप बारीकी से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बनाते हैं हम, था में ली जोड़ेंगे। था में क्या जोड़ेंगे हम? ली जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? थाली। उसके बाद का में न जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कान। गा में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गाना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बा, बा वर्ण में ली वर्ण जोड़े तो क्या बन गया? बाली। उसके बाद का वर्ण में ली वर्ण जोड़े तो क्या बन गया? काली। गा वर्ण में ल वर्ण जोड़े तो क्या बन गया? गाल। तो इस प्रकार से आप बहुत से वर्ण बना सकते हैं। जैसे आप और क्या बना सकते हैं इसमें, तो आपको यहाँ से और वर्ण बना सकते हो। जैसे का में ना जोड़े तो काना बन जाएगा, बा में ल जोड़े तो बाल तो बन ही गया, बा में ल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बाल बन जाएगा। तो इस प्रकार से और अतिरिक्त शब्द आप जोड़ के बना सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास आपका यहाँ पे 57 समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं 58। इसमें क्या दिया है? अभ्यास 58 में विद्यार्थी को अखबार का टुकड़ा, कहानियों की किताब आदि दें। अब विद्यार्थियों से सभी मात्रा वाले शब्दों को बारी बारी से ढूंढने को कहें। जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी मदद करें और पुनः सिखाएं। एक एक करके वे मात्राएं लें जिनका ज्ञान विद्यार्थी को हो चुका है।
यानी इसमें आपको ये बताया कि एक अखबार का टुकड़ा लेना है, कहानी की किताब ले लें, जो विद्यार्थी को मात्रा वाले शब्द को बारी बारी ढूंढने को कहें, जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर पा रहा तो उसकी मदद करना है, और एक एक करके मात्राएं लें जिनका ज्ञान विद्यार्थी को हो चुका है। जैसे खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर बोलें व लिखें। अब यहाँ पे आपको खाने की चीज़ों की क्या करना है, नाम ढूंढना है और बोलना है। तो देखो खाने की चीज़ों में ये क्या आ जाएगी, दाल। दाल क्या करते हैं, हम घर में सब्जी बनाते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं और उसे खाते हैं, तो ये दाल बन गया। फिर ये क्या बन जाएगा आपका, पालक। पालक एक भाजी है ये, तो एक पालक भाजी बन गई। उसके बाद एक खीरा, अगला वर्ड खीरा ये क्या कहलाएगा, खीरा यानी ककड़ी, ये इससे और एक ककड़ी वर्ड बन गया ये। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें इनको खाने की चीज़ों को ढूंढकर, जो खाने वाली चीज़ें उन्हें ढूंढकर बोलें और लिखें। तो दाल बोल दिए, लिख दिए, पालक बोले लिख दिए, खीरा बोले लिख दिए। इस प्रकार से आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर उन्हें बोल के और लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके बाद अभ्यास 59 में देखिए। अभ्यास 59 में क्या दिया, मटके में दिए गए शब्दों में से मात्रा वाले शब्दों और बिना मात्रा वाले शब्दों का को अलग अलग रखें। अब हमें यहाँ मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले शब्द ढूंढना है। ये ह और ल, हल। हल जो है बिना मात्रा वाला, तो ये बिना मात्रा वाले के नीचे लिख दिए। उसके बाद बिना मात्रा वाला ये फल, तो ये लिख दिए हमने कहाँ पे फल। उसके बाद ये जग, इनमें कोई मात्रा नहीं है। और ये नल, ये बिना मात्रा वाले क्या हो गए, शब्द हो गए। तो बिना मात्रा वाले शब्द उसके नीचे लिख देना है, और मात्रा वाले शब्द जो बचे हैं, क्या बचा है यहाँ पे, काल। ये काल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, काल आ जाएगा। फिर ताला, माला, ये कौन से शब्द हो गए, मात्रा वाले। चाल, इसमें काय की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, इसलिए कौन सी मात्रा वाले शब्द बन गए। तो यहाँ पे इसको ताला भी कहेंगे तो यहाँ पे आ की मात्रा, काला भी कहेंगे तो इसमें भी आ की मात्रा आ रही है, लेकिन इसमें काल दिया था तो यहाँ पे आ की मात्रा आई। तो इस प्रकार से इसमें आपको बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले शब्द ढूंढ के लिखना था, किससे, मटके से। तो आपकी यहाँ पे जो अभ्यास कौन कौन से बताए इस वीडियो में हमने, 56, 57, 58, 59 यहाँ पे समाप्त हुए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।